हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन चाहिए। एक्सिस बैंक से उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, वो भी अलग अलग अमाउंट उन्होंने रखे हुए हैं, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख के अमाउंट पर। उन्होंने हमसे पूछा है कि मुझे 5 सालों के लिए मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी और मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि प्रेजेंट समय में क्या एक्सिस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्योंकि यार दिवाली आ रही है और काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं। 2022 का देखो मार्केट भी डाउन रहा है, तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट समय में चल रहा है, तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी ऐड कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, जिससे आप लोग अगर एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए जाए तो आप लोग को सारा ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ ये चीजें लगती हैं, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस 10 मिनट की वीडियो से आप लोग काफी ज्यादा नॉलेज लेने वाले हैं। तो प्लीज यार वीडियो को 1% स्किप ना करिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पर डे आप लोग को फाइनेंशियल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आप हम लोग के भाई का जो क्वेश्चन था, उन्होंने जो पूछा है 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख के अमाउंट पर जो उनकी मंथली किस्त क्या जाएगी, वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक का सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ से आप हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। इसका काफी ज्यादा जो इंटरफेस है काफी यूजफुल है, जो आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैसे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ और भाई के क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे आप लोग भी अपने अमाउंट अमाउंट डाल करके आप लोग भी अपने मंथली किस्त और टोटल ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, तो हम लोग 3 लाख अमाउंट ला लेते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, आप लोग को जो भी लोन, जैसे होम लोन चाहिए तो होम लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन वाला आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, कार लोन चाहिए तो कार लोन, बाइक लोन तो बाइक लोन। हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने जैसे होम लोन में क्लिक करते हैं, तो पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन पे क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होता है कि कितने लाख का आप लोग को लोन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो पहला था 3 लाख का अमाउंट, तो 3 लाख का हम लोग ने अमाउंट फिलअप कर देते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को एक्सिस बैंक का पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं इनकी ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पर हम इनकी ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप लोग का जो पर्सनल लोन का वो चल रहा है 8.50% 1 ईयर MCLR के साथ, और स्प्रेड 1 ईयर के साथ इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है 12% से लेकर के 21% के बीच में। आप लोग ये देख रहे होंगे ये 12 से 21% का जो बीच का क्राइटेरिया है ये काफी लंबा है। इसमें आप लोग का सिविल स्कोर डिपेंड करता है, अगर आपका सिविल स्कोर गुड है, बैड है और आपका पुअर है और एक्सीलेंट है, इन चारों डिपेंड में आप लोग का जो भी है लेवल पे आप लोग का सिविल स्कोर होता है उस पे आप लोग का डिपेंड करके आपको यहाँ पे एक उस कैटेगरी वाला आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है। अगर आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, 750 से आपका सिविल स्कोर ज़्यादा होता है, उसके बराबर होता है, तो आप लोग को एक बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 12% के साथ एक मैक्सिमम अमाउंट तक आप लोग को पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का जो लोन है वो 12% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, और हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 12% का। ठीक है, तो हमने 12% का लोन ले लिया। आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके ही आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग ने अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग डाल दिया 12%। ठीक है, आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो 12 सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा हो वो आप लोग डाल दीजिएगा। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। रही बात लोन टेन्योर, तो लोन टेन्योर आप लोग मैक्सिमम 5 सालों के लिए, जो भाई का क्वेश्चन था 5 सालों के लिए ले सकते हैं, और एक्सिस बैंक भी आप लोग को मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही लोन टेन्योर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब 3 लाख के अमाउंट पर 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आपकी जो मंथली किस्त जा रही है वो जा रही है 6,673 रुपये, जिसमें आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 1,400 रुपये देना पड़ रहा है, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 4,400 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है। अब जो आपका टोटल ब्याज है वो आपका 5 सालों में आप लोग देख सकते हैं कि 1,400 रुपये लग रहा है, कुछ ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा आप लोग का ब्याज नहीं लग रहा है। अगर यही अमाउंट आप लोग 3 लाख का अमाउंट जो है आप लोग देखिएगा आप लोगों को ब्याज में कितनी ज़्यादा, 3 लाख का अमाउंट अगर आपकी मैक्सिमम आप यार 15,000 रुपये सैलरी है, तो जब भी आप लोन लेते हो तो लोन को ज़्यादा प्रियोरिटी देते हो, ये आपको ये पता होगा। तो आपकी 6,500 आपकी मंथली किस्त जा रही है, अगर यही अमाउंट आप लोग 4 सालों के लिए कर देते हो तो देख सकते हैं 5 सालों में 4 साल करते हो तो केवल 1,000 का डिफरेंस आया, 1 से 1,250 रुपये का डिफरेंस आया आप लोगों ने सीधे सीधे
24,000 रुपये बचा लिए, 24 से 25,000 रुपये आप लोग ने सीधे बचा लिए। तो इसका आप लोग यूज करके देख सकते हैं, 1 लाख रुपये कम किया और आप लोग की मंथली किस्त 1200 रुपये बढ़ी, आप लोग 7,900 रुपये देंगे, 24,000 बचा लेंगे एक साल में और इसको कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होती है लोन की प्लानिंग। करा तो भाई का जो क्वेश्चन था 3 लाख के अकॉर्डिंग 5 सालों के लिए, वो मैंने आपको बता दिया 6 लाख, 6.5 लाख। अगर आप 4 सालों के लिए लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बच जाता है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 4 लाख का अमाउंट, ठीक है, 4 लाख का अमाउंट तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 4 लाख का। तो एक सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं कितना, हाँ तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 4 लाख का अमाउंट, 4 लाख का डालते हैं। 4 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए आप लोग दे सकते हैं, आपकी जो मंथली किस्त जाती है वो 8,898 रुपये जाएगी, जिसमें आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है 1,33,867 रुपये देना पड़ रहा है। अगर 3 लाख का आप लोग ले रहे थे 5 सालों के लिए, आपकी जो मंथली किस्त जा रही थी वो 6,500 रुपये जा रही थी, अब आप जो 4 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए ले रहे हैं तो आपका जो ब्याज लग रहा है 1,33,867 रुपये लग रहा है, और जो टोटल ब्याज लग रहा है वो मतलब जो मंथली किस्त जा रही है वो 8,898 रुपये जा रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये उनका जो थर्ड अमाउंट था वो था 6 लाख रुपए। अगर आप 6 लाख का अमाउंट 12% के ब्याज से 5 सालों के लिए लेते हैं मेरे भाई, तो वो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 13,343 रुपये जाएगी, जिसमें आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 2,08,800 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें आपका जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपका ब्याज है वो 25% लग रहा है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 74%, जो आप लोग बैंक से ले रहे हैं एक्सिस बैंक से 6 लाख का अमाउंट ले रहे हैं 5 सालों के लिए 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वो आप लोग का लग रहा है 74%, ठीक है। अब आप टोटल पेमेंट एक्सिस बैंक को कितनी देंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, तो ये टोटल ब्याज आपका ये अमाउंट हो गया 2 लाख रुपए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप लोग बैंक से ले रहे हैं 6 लाख रुपए वो हो गया। उसको दोनों को एड ऑन करने के बाद आप लोग का जो अमाउंट जाता है, जो टोटल पेमेंट आप एक्सिस बैंक को करते हैं वो 8,800 रुपये करते हैं, ठीक है। आप समझ लेते हैं कि जो आपकी मंथली किस्त है, जैसे अब मान लीजिए आपकी जो मंथली किस्त है ये, यहाँ पे शेड्यूल सोविंग की बात करें, यहाँ पे आप लोग सेट कर देते हैं आपकी जो किस्त है, किस्त 9 अक्टूबर में लोन अप्रूवल हुआ और आपकी किस्त नवंबर से जाना स्टार्ट हो गई, तो मान लीजिए जो आपकी नवंबर से जाना स्टार्ट हो गई, तो नवंबर के आगे जो आने वाले प्रिंसिपल अमाउंट है ब्याज है वो आपको पता कैसे चलेगा कि हर महीने कितना कितना जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ सिंपल चार्ट या ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ से ना समझ में आता तो चार्ट देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप 2022 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 2 महीने का जो डेटा होगा वो पता चल जाएगा 2 महीने का, जैसे 2023 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो वहीं से आप लोग का पूरा साल का डेटा क्लियर हो जाएगा। 2024-25 जितने सालों के लिए आप लोग लोन ले रहे होते हैं उतने साल के हर एक महीने हर एक साल का डेटा आप लोग को चार्ट वाइज आप लोग को क्लियर किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है, टोटल पेमेंट कितनी जा रही है, बैलेंस कितना जा रहा है, सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाती हैं, जिसको आप एक प्रिंट और जिसका आप लोग प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पर ही सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग लोन अप्रूवल के लिए आप लोग इसको इस चार्ट को लगा सकते हैं, जिसको आसानी से आप लोग का लोन अप्रूवल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आप लोग एक्सिस बैंक में आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या चार्जेस लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक आध चार्जेस की बात कर लेते हैं कि जो आप लोग की मिनिमम जो पेनल जो इंटरेस्ट लग रहा होता है वो आप लोग देख सकते हैं। पेनल इंटरेस्ट आप लोग का 24% लग रहा होता है, 2% पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पेनल इंटरेस्ट हो गया, स्वैप चार्जेस हो गया, स्वैप चार्जेस आप लोग के कितने लग रहे होते हैं, 339 रुपये लग रहे होते हैं, तो ज़्यादा कुछ है। और फॉर क्लोजर चार्जेस तो अलग अलग हैं, 12 महीने के लिए 5%, और मतलब कि 2 महीने 2 साल के लिए आप लोग के 4%, 3 साल के लिए 3%, और अगर 36 महीने से ज़्यादा मतलब कि 3 साल से ज़्यादा ही ले रहे हैं तो 2% का आप लोग को फॉर क्लोजर चार्जेस लग रहा था। तो अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चार्जेस के कंप्लीट कर लिए, अब एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी आप लोग को क्या लग रही होती है, तो एलिजिबिलिटी में बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल आप लोग सैलाइड हो, सैलाइड डॉक्टर हो, एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो आप लोग को यहाँ से लोन मिलेगा। बट आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 60 साल होनी चाहिए, और जो आपकी मिनिमम मंथली इनकम आ रही हो वो आपकी 15,000 रुपये आनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये है तो आसानी से आप लोग इस एक्सिस बैंक से लोन अप्रूवल के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट सेक्शन की, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात करी जाए तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन KYC और लोन अग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड स्टैंडिंग
इंट्रोड्यूस एसआई रिक्वेस्टेड एफसीसी फॉर्म के साथ आप लोग को देनी पड़ती है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा, आप लोग पासपोर्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी लगा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ हो, और प्रूफ ऑफ देखो पोजीशन, आधार नंबर आप लोग लगा, मतलब कि आधार कार्ड लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होती हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग क्या लगा सकते हैं, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, इन सारी चीज़ें लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, जिनमें जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ लगाई गई हो और जो आप लोग के कार्ड के अकॉर्डिंग हो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ बस क्लियर होनी चाहिए। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, बैंकर वेरिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप दे रहे होते हैं, लेटेस्ट 2 मंथ बैंक के स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देनी होती, एक आध चीज़ें देनी होती, इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ देनी होती, लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे दो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को जो आप लोग एक्सिस बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनसे कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को लार्जेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो आप लोग को देनी होगी 2, ठीक है। ये आप लोग को ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एलिजिबिलिटी जो लग रहे थे वो मैंने बताया, और क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं वो मैंने हम लोग ने क्लियर करे, और आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, टोटल ब्याज क्या जाएगा, उसके लिए हमने इस ईएमआई कैलकुलेटर का पूरा कैलकुलेशन समझा पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत और